आज हम बनाएंगे बिना उबाले कटहल का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो कटहल, इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ, 8 बड़े चम्मच राय, 4 बड़े चम्मच सरसों, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, हींग, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाने, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ी सी लौंग, 4 छोटी इलायची और 4 ड्राई रेड चिली। सबसे पहले हम कढ़ाई में सारे खड़ा मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही हमें ऐड करना है धनिया और इसे 1 मिनट के लिए पकाएं लो फ्लेम पे। अब ऐड करेंगे सरसों, राई, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं होता है इसलिए मैं इसे लास्ट में डाल रही हूँ, और सभी को अच्छे से मिक्स करके अच्छी खुशबू आने तक इसे पकाएं। और इसे हल्का रोस्ट होने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने देंगे। तब तक आइए सरसों के तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल को गर्म होने पे हम इसमें डाल देंगे छोटी इलायची, लौंग, कलौंजी, हींग और इसे तेल में अच्छी तरह मिला दें। अब डालना है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, इसे भी मिक्स करें, इससे अचार का कलर बहुत ही अमेजिंग आएगा। अब हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला और सभी को स्लोली मिक्स करें। सबसे लास्ट में हम ऐड करना है कटहल, इसे मैंने बिना उबाले डाले हैं, और इसका अच्छे से कोटिंग होने दें। अब इसे हम एक बोल में निकालेंगे। आप 2 से 4 दिन के लिए इसे धूप दिखाएं, ये तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा गरम ऑयल डाल देंगे, ऑयल ज़्यादा गरम नहीं रखना है। बस हमारा कटहल का अचार रेडी है, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है ये अचार। आप चाहे तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।